नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टॉक इजी में स्वागत है। दोस्तों इस समय हम सन टीवी के डेली चार्ट पे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं शेयर में काफी गिरावट आपको देखने को मिलेगी। एक टाइम पे शेयर यहाँ पे आपको डाउन ट्रेंड दिखेगा कि शेयर में काफी अच्छा करेक्शन आ चुका है। अब यहाँ से एक बाइंग की पोजीशन आपको देखने मिलेगी। यहाँ देखेंगे कि इधर इसका आपको लो दिखता होगा, लोअर लो इधर बनाते जा रहा था और यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे ये हायर लो बना रहा है, यानी कि इसका ट्रेंड अब यहाँ से चेंज हो रहा है। अगर आप यहाँ पे हॉरिजेंटल लाइन हम ड्रॉ करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक रेसिस्टेंस जैसे था कि प्राइस यहाँ पे काफी दिनों से ट्रेड कर रहा है, इसके आगे वो जा नहीं पा रहा था। देखिए पहले इधर नीचे आया, फिर यहाँ से ये ऊपर गया, फिर रिटर्न नीचे आके यहाँ ऊपर जाने के बाद प्राइस इस लाइन को ब्रेक नहीं की। काफी दिनों तक ये शेयर इस प्राइस के आसपास वो ट्रेड करता रहा, 524.55 के आसपास ये प्राइस वहां से रिटर्न नीचे आई। फिर ऊपर जाने के बाद ये यहाँ पे आकर फिर ये नीचे आ गई, यानी कि आप देख सकते हैं इस प्राइस को ये क्रॉस नहीं कर पा रही थी, इसको ब्रेक नहीं कर पा रही थी। फिर आज की जो कैंडल बन रही है काफी अच्छी कैंडल बन रही है, इसे हम बुलिश कैंडल कहते हैं और ये काफी बड़ी कैंडल बन रही है जिसने इस रेसिस्टेंस को यहाँ पे ब्रेक किया हुआ है। इसने 524.55 को यहाँ पे ब्रेक कर दिया है। इसके ऊपर आज अगर हमें क्लोजिंग मिलती है तो इस शेयर में अपनी एक लॉन्ग की पोजीशन बनाएंगे और जिस कैंडल ने इसको ब्रेक किया रेसिस्टेंस को उसके लो को हम अपना स्टॉप लॉस रख देंगे। तो दोस्तों अगर आप किसी शेयर में अपनी लॉन्ग की पोजीशन बनाना चाहते हैं या फिर कोई ट्रेड लेना चाहते हैं, उस शेयर को आप खुद एनालाइज करें, उसको टेक्निकली देखें, फंडामेंटली देखें, फिर स्टॉक में आप इन्वेस्ट करें। तो दोस्तों आज के लिए यही रुकते हैं। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके जरूर पूछिए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब करें। मैं आपसे जल्द मिलूंगी एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।